हेलो यदिवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? लाइव सेशन में अपन बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, है ना। पिछले वीक जो पिछला वीक निकला है उसमें बस एक ही लाइव क्लास हो पाई थी, है ना। अब कंटिन्यूटी में अपन पढ़ाई करा करेंगे, ठीक है। कल जोश बेच की क्लास भी संडे को शिफ्ट करी गई, है ना। थोड़ा सा भी सिस्टम बन रहा है इसलिए क्लास क्लास का टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना। कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं देख लेते हैं अपन। हेलो अंजलि, हेलो राहुल, हेलो अंकिता, हेलो राघवेंद्र, हेलो पारुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हेलो प्रांजल, हेलो अंकित, हेलो गरिमा, हेलो सौरभ, गुड इवनिंग गरिमा, गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेस्टिब्यूल से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वेस्टिब्यूल टॉपिक। और आज वाले लेक्चर में आज वेस्टिब्यूल, क्योंकि अपन ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा पुडेंडम तक कंप्लीट कर लिया था। मोंट प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये 3 चीज़ अपन ने पढ़ी थी। लेकिन इसका फोर्थ पार्ट वेस्टिब्यूल, है ना, ये चीज़ आती है ना। यूरेथ्रल ओरिफिस पढ़ेंगे इसमें, वेस्टिबुलर ओरिफिस, है वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। कुछ नोट हैं, है ना, डायग्राम दिखाए जाएंगे आपको आज। मैं मेरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें टॉपिक आते हैं दो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस, ठीक है। तो आज अपन ऊजेनेसिस तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप चेयर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मोंट प्यूबिस, इसका मैंने आपको जो लेक्चर अपन ने जब इसको लाइव पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोंट प्यूबिस में क्या था, कवर विथ प्यूबिक हेयर एंड ऑल्सो हैज स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, है ना। ये देखो आप, ये रहा, ठीक है। ये वजाइनल है ना, वजाइनल एंटी, है ना। और ये मोंट प्यूबिस वाली जगह है ना, वजाइना से जो ऊपर स्किन होती है और उस पर जो हेयर होते हैं, प्यूबिक चीज़ें होती हैं, है ना। प्यूबिक हेयर, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, सारी मोंट प्यूबिक में ही दिखाई देती हैं, है ना। टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ वेजाइनल एस्केज, है ना। ये वेजाइनल है और इसकी जो ऊपर की एस्केज होती है उसे अपन बोलते हैं वेजाइनल एस्केज, ठीक है। इसका अपना आया था, देख लिया डायग्राम, देख लिया, पूरा समझाऊंगा मैं, उसकी चिंता मत करो आप। देख लिया डायग्राम, ओके। जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो मोंट प्यूबिस कहलाती है। देन लेबिया मेजोरा, है ना, लेबिया मेजोरा, फिलहाल की फोल्ड स्किन होती है ना। इसमें इधर अपन ने लिखा भी था लेस इन नंबर ऑफ हेयर, इसमें भी हेयर होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेबिया मेजोरा, ये वेजाइना, जहाँ पे वेजाइना होता है
उसके साइड वाली जो जगह होती है वो वाली स्किन कहलाती है, ठीक है, लेबिया मेजोरा, ये रहा, ठीक है। इसका अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था, और लेबिया मेजोरा जो होमोलोगस होता है स्क्रोटम के, ठीक है, इन मेल, लेबिया माजोरा, लेबिया माइनोरा है ना, थिन फोल्ड ऑफ स्किन इनसाइड लेबिया मेजोरा है ना, ठीक है। ये देखो लेबिया माइनोरा, अब इनसाइड इनसाइड था लेबिया मेजोरा, तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो इनसाइड होता है लेबिया माइनोरा, मतलब वेजाइना के अंदर, ठीक है, देख लिया। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एंटीरियरली दिस यूनाइट टू फॉर्म अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस होमोलोगस किसके होता है, ग्लांस पेनिस या पेनिस ऑफ मेल है ना, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट में क्लिटोरिस होता है, वेजाइना जहाँ पे होता है उसके टॉप मोस्ट पार्ट में क्लिटोरिस होता है ना, इसलिए इसको अपन इसलिए होमोलोगस बोल देते हैं, क्योंकि वेजाइना के टॉप मोस्ट पार्ट पे क्लिटोरिस है, ठीक है, जहाँ से वेजाइना स्टार्ट होती है वहीं पे क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है ना, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लो आप एक बार डायग्राम देख लो, है ना, और वल्वा जो अपन ने फीमेल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा उसी को अपन वल्वा बोलते हैं, उसमें अपने आती है चीज़ें क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है ना, ये सारी चीज़ें, और मॉन्च प्यूबिस ये भी वल्वा में पार्ट होता है, ठीक है, देख लो ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। आगे का पढ़ेंगे आज, इसमें एक पॉइंट और था, क्लिटोरिस इज कवर बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन है ना, क्योंकि वेजाइना के अंदर है तो वेजाइना सबसे ज़्यादा फोल्डी पार्ट होता है फीमेल बॉडी में है ना, कॉल्ड प्रीप्यूज है ना, वो चीज़ उसको बोल देते हैं अपन प्रीप्यूज, प्रीप्यूज अपना आया था पेनिस में भी आया था है ना, ये जो टर्न में वो अपनी पेनिस में भी आई थी, जरा लेकिन मेल में क्या होता है, वो स्किन जो होती है वो लूज फोल्ड होती है ना, और इधर जो फीमेल में वजाइना में वो थोड़ी टाइटली पैक होती है, थोड़ी हेल्दी लगती है वो स्किन, ठीक है, वही को अपन बोल देते हैं प्रीप्यूज, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, अब वेस्टिब्यूल एक्चुअली क्या होता है, पार्ट इज सराउंडेड बाय लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बीच वाला जो पार्ट होता है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, डायग्राम में देखते हैं अपन, ये शार्ट है लेबिया मेजोरा जहाँ पे हाईलाइट ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, अंदर आ गया अपना लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेकिन जो बीच का पार्ट बचता है उसी को अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल है ना, उसी को अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। सेम इधर होगा, इधर लेबिया माइनोरा हो जाएगा, बाहर वाली स्किन लेबिया माइनोरा है ही, मेजोरा है ही, बीच वाला पार्ट वेस्टिब्यूल कहलाएगा, ठीक है। वेस्टिब्यूल कंटेन टू ओपनिंग, अब वेस्टिब्यूल दो ओपनिंग कंटेन करता है, एक होती है वजाइनल ओरिफिस, एक होती है यूरेथ्रल ओरिफिस है ना, वजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओरिफिस, जो वजाइनल ओरिफिस होती है उसे अपन उसकी क्या होती है वो चीज़, ओपनिंग ऑफ वजाइनल कैनाल है ना, वजाइनल कैनाल में ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल की, देखना भी आप है इसमें, यूरेथ्रल ओपनिंग है ना। चलिए अगर वेस्टिब्यूल
वजाइना, वजाइनल केनाल में या वजाइना में ओपन होता है तो उसी को अपन बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, वजाइनल ओरिफिस इज ऑब्टेन कवर बाय अ थिन वैस्कुलर इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन इन वर्जिन फीमेल, है ना, जिनकी शादी नहीं होती या जिनने इंटरकोर्स नहीं कर रखा होता उनको अपन बोलते हैं वर्जिन फीमेल, है ना, उनको अपन बोलते हैं वर्जिन फीमेल। और जो वजाइनल ओरिफिस होती है वो कवर कैसे होती है, थिन और वैस्कुलर इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन, उसमें वैस्कुलर नहीं होती है इन वर्जिन फीमेल बट नॉट मैरिड फीमेल, है ना, जिनने एक बार इंटरकोर्स कर लिया उनमें ये चीज अप्लाई नहीं होती, है ना, कॉल्ड हाइमन, कॉल्ड हाइमन। ये वाली कंडीशन जो होती है कवर बाय अ थिन वैस्कुलर इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन, है ना, मतलब वैस्कुलर जो बनी, वैस्कुलर है जो इन वजाइना, वो इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन है, है ना, बिकॉज ऑफ देयर इज नो लैक ऑफ इंटरकोर्स, है ना, उनने इंटरकोर्स कभी करा ही नहीं, वर्जिन फीमेल, कोल्ड हाइमन, है ना, उन्हीं चीज को अपन बोल देते हैं हाइमन। हाइमन इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइन ऑफ वर्जिनिटी, है ना, अब ये आप ये नहीं बोल सकते कि जिनका हाइमन क्या होता है, हाइमन होता क्या है, हाइमन एक बहुत स्मूथ पाथ होता है जो कि इंटरकोर्स के टाइम डैमेज हो जाता है ना, हाइमन डैमेज होने के बहुत सारे रीजन है जो थर्ड पॉइंट में अपन पढ़ने वाले हैं, चलो पढ़ ही लेते हैं। इट यूजली रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स बट मे ऑल्सो बी रप्चर बाय अ सडन फॉल और जोल्ट, जोल्ट का मतलब क्या होता है, झटका लगना, है ना, झटके में भी टूट जाता है, बहुत स्मूथ पार्ट होता है ये हाइमन। इंजेक्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन, हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग, है ना, हॉर्स राइडिंग में भी इसे भी टूट जाता है ये, साइकिलिंग कोई फीमेल अगर साइकिलिंग करती है झटका लग गया उसे तो उसमें भी ये टूट जाता है, इसलिए इधर ये जो सेकंड पॉइंट बताया है हाइमन इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइन ऑफ वर्जिनिटी, कि हाइमन अगर जिनका टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है तो उनको अपन बहुत ये नहीं बोल सकते कि ये वर्जन है या नहीं है, है ना, जिनका जुड़ा हुआ है अपन उनको भी ये नहीं बोल सकते कि यार ये वर्जिन है नहीं है ना, और जिनका टूटा हुआ उनको भी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट साइन प्रोड्यूस नहीं करता, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन आया है एक मिनट रुकिए, हाइमन इज विजन और नोट आउटसाइड द फीमेल बॉडी, अब एक फीमेल बॉडी है ना, और आप हो, कोई भी हो आप, है ना, आप हो तो आपको हाइमन दिख सकता है क्या आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दिख सकता है, नो, आंसर इज नो, बट बाय, क्योंकि बहुत अंदर रहता है ये, करीबन ओवरी के पास रहता है ना, इसलिए ये दिखता नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ ही लिया ना, जो हाइमन होता है इट यूजली रप्चर, हाइमन की बात हो रही है इट, है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, बेसिकली 95% फीमेल्स में तो ये इंटरकोर्स के बाद ही है ना डैमेज होता है, बट 5% जो ये रेशो अभी साइंस की ब्रांच के द्वारा पता लगाया गया है कि 5% उसमें केसेज में हाइमन अपने आप डैमेज हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ वो फीमेल्स में ज्याले होते हैं, जैसे झटके लग गए, है ना, वजाइनल टेम्पन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, या हॉर्स राइडिंग करती है कोई फीमेल, है ना, या कोई साइकिलिंग करती है, तो इनकी वजह से हाइमन डैमेज हो जाता है, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वाली पूरी स्लाइड में, हाइमन इज नॉट एन एब्सोल्यूटली साइन ऑफ वर्जिनिटी। अब एक बात बताऊँ आपको, अगर कोई वर्जिन फीमेल है या गर्ल्स है ना, वर्जिन गर्ल है तो उसमें तो हाइमन होगा, है ना, बट अगर कोई शादीशुदा है ना, मतलब जिसकी मैरिज हो गई, उनमें हाइमन नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर शादीशुदा मतलब वर्जिन गर्ल में भी अगर हाइमन नहीं है
तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक जोल्ट, झटके लगना, सडन फॉल है ना, इंजेक्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग है ना। तो अपन उसको ये नहीं बोल सकते कि आप वर्जिन नहीं हो या आपने कुछ इंटरकोर्स टाइप का करा है। ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट? ओके। इसका सेकेंड आता है इसमें, जो सेकेंड ओपनिंग है वो है यूरेथ्रल ओरिफिस। वेस्टिब्यूल इज ओपनिंग इन यूरेथ्रा है ना। अगर वेस्टिब्यूल ओपन होगा यूरेथ्रा में तो उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। ये रहा यूरेथ्रल ओपनिंग, इधर से है ना वेस्टिब्यूल ओपन होगा अगर, तो यूरेथ्रल ओरिफिस अपन उसे बोलेंगे। ठीक है, ये क्या नोट आता है ना, 5,000 रुपये के नोट हैं है ना, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाजार में तो नहीं चलेंगे ये नोट, लेकिन नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछे गए, बाथोलिन ग्लैंड, दो टाइप का अपन पढ़ेंगे इसमें, बाथोलिन ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ऑफ स्किन। पहला है बाथोलिन ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ना, इसे अपन बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। होमोलोगस टू है ना, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था है ना, बताइए आप चैट बॉक्स में बताइए होमोलोगस का मतलब क्या होता है, बताइए। टाइप करिए आप, बिल्कुल है ना, होमोलोगस का मतलब यही होता है जो इन्हें अंकित ने लिख के भेजा है कि कोई सा भी ऑर्गन उसके सिमिलर हो सकता है लेकिन वर्क में सिमिलर नहीं होगा है ना, उसके सिमिलर लोकेशन पे हो सकता है लेकिन वर्क में सिमिलर नहीं होगा। जैसे कि होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल्स है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपन ने पढ़ा था इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को अपन बोलते हैं कॉपर ग्लैंड है ना, और ये 10% हीमन इंट्रोड्यूस मतलब ऑब्टेंड करती थी है ना, मदद करती थी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था इसको, दे रहा बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड, ये 10% वॉल्यूम ऑफ हीमन कंट्रीब्यूट करती थी। ठीक है, ये नीट में आ चुका है कि बाथोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस थी। ठीक है, होमोलोगस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में ना, तो ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद थर्ड पॉइंट, वन पेयर ऑफ बाथोलिन ग्लैंड, पेयर में होती है मतलब दो होती हैं, प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, दोनों वॉल में है ना, मतलब एक मिनट रुकिए, एक ये वॉल है एक ये बोल है ना, ये दोनों साइड बोल में प्रेजेंट होती है कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, दिस सिक्रीट स्लाइमी एल्कलाइन फ्लूइड विच न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना है ना, क्या सिक्रीट करती है ये स्लाइमी फ्लूइड, एल्कलाइन फ्लूइड और न्यूट्रलाइज इसको करती है ये एसिडिक पीएच को है ना, जो वजाइना और पेनिस में अपन ने अपन बात करी थी पहले कि पेनिस और वजाइना दोनों ही एसिडिक होते हैं, तो जो बाथुनिन ग्लैंड है वो मदद काय में करती है एसिड न्यूट्रलाइज करने में, जो एसिडिटी है ना एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक फॉर्म में लेके आती है, एंड ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन है ना, ल्यूब्रिकेशन में भी काम करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पैरा यूरेथ्रल ऑफ स्किन, पैरा यूरेथ्रल ऑफ स्किन प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास होती है, अराउंड लिखा है ना इसलिए है ना, अपन ने ये देखा ना यूरेथ्रल ओपनिंग, तो इसके कहीं इधर आसपास ही होती है ये,
ठीक है, पैरालेसर ऑफ स्किन, ऑल्सो कॉल्ड लेजर लेशर वेस्टिबुलर ग्लैंड, है ना। इट इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, एंड पैरालेसर ऑफ स्किन को अपन बोलते हैं लेशर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये होमोलोगस किसके होती है? होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल, है ना, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सेमिनल ग्लैंड करती थी, मेल का रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, मेल ग्लैंड की रिवीजन। सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूट करते था सीमन वो था सेमिनल फ्लूइड, 20% प्रोस्टेटिक फ्लूइड या प्रोस्टेट ग्लैंड करती थी, और 10% बल्बोलेथरल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड करती थी, और 10% टिटपम होते थे, ये अपन ने पहले पढ़ा था। तो जो है पैरालेथरल ऑफ स्किन जो होमोलोगस होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है, ये भी नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। विजय बैच अपना रनिंग है, कल से अपना स्टार्ट हो गया है विजय बैच, रोज ऑल्टरनेट क्लास लगेगी उसकी, ठीक है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, आप लोग जरूर उसे ना मतलब देखें उनकी जो वीडियो है उसे आप जरूर, है ना, आराम से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी। कल उसका लिया था क्वेश्चन 8 बजे, यूट्यूब पर अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, देखना आप, ठीक है, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको और यूट्यूब पर पहली बार ऐसा वी एच निकला है, कोई ने निकाला है, मतलब मैंने निकाला है, इसके पहले कभी कोई मुझे नहीं याद है कि यार कोई ने ऐसा वी एच निकाला होगा कि पूरे साल बच्चा फ्री आउट ऑफ कॉस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। सेशन लगते थे, है ना, सेशन लग जाते थे कि आज एक सेशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो ये तो डेली का ही है, अभी स्टार्टिंग में अपन ऑल्टरनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये डेली शेड्यूल में आ जाएगा, 8 o'clock डेली 8 o'clock क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय पीसी वाला तुषार दुबे चैनल, ठीक है। चलो ये अपन ने देख ही लिया, है ना, एक मिनट रुकिए आप, है ना, एक मिनट रुकना, एक के बाद बात है, नहीं मेंटेनेंस जरूरी है क्लास में, है ना, मेंटेन करो क्लास को। बातचीत करने लग गए थे क्या आप लोग? चलिए चलिए, इसके बाद अपना टॉपिक आता है, एक मिनट रुकिए, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करा दिया गया था, एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर ये भी है ना लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करा ही दिया था ऑलमोस्ट, इसका और वेस्टिब्यूल पार्ट बचा था, है ना। आज अपन इसका ही टॉपिक पढ़ने वाले, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, चलिए पढ़ते हैं अपन। पेयर स्ट्रक्चर मतलब दो हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, ग्लैंड होती है इनमें, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, है ना, सबसे ज्यादा फैट इसी जगह होता है मेमोरी ग्लैंड में। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड,
इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब, है ना, 15 to 20 मेमोरी लोब बनाती है, और कंटेनिंग क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाय, है ना, क्लस्टर और ग्रुप बना देती है वो 15-20 मेमोरी लोब का, है ना, उसी को अपन बोलते हैं एल्वोलाय, एल्वोलाय, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द शेल ऑफ एल्वोलाय सिक्रीट मिल्क। अब जो एल्वोलाय की शेल है वो क्या मिल्क मिल्क सिक्रीट करती है आफ्टर द प्रेगनेंसी इज कंप्लीट, ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेबी होता है और बेबी के बाद जो मिल्क है सिक्रीट करने लग जाती है मेमोरी ग्लैंड विच इज स्टोर इन ल्यूमन ऑफ एल्वोलाय, ल्यूमन ऑफ एल्वोलाय। फोर्थ पॉइंट, द एल्वोलाय ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना, मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी ट्यूब्यूल भी होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, इसका डायग्राम है क्या देखता हूँ। इसका डायग्राम नहीं है, इसका डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ये ओपन होती है एल्वोलाय, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है ईच लोब की, है ना, 15-20 जो लोब बनी है मेमोरी लोब वो जॉइन काय में करती है, जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, अब ये मेमोरी डक्ट बना देती है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अन एम्पुला, बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन करती है एक दूसरे को और ये बना देती है एम्पुला, ये बना देती है एम्पुला। मेमोरी एम्पुला कंटिन्यूज इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, अब बिकॉज ऑफ अपन ने पढ़ा ऊपर सिक्रीट डक्ट सिक्रीट मिल्क, है ना, अगर लैक्टिफेरस डक्ट नहीं होगी, है ना, अज्यूम करना आप अगर लैक्टिफेरस डक्ट नहीं होगी तो मिल्क कभी बनेगा ही नहीं, है ना, इसलिए मेमोरी एम्पुला कंटिन्यू करती है लैक्टिफेरस डक्ट से विच ओपन आउटसाइड थ्रू निप्पल, विच ओपन आउटसाइड थ्रू निप्पल, और निप्पल के थ्रू बेबी क्वेटस कर लेता है ना, फीड कर लेता है। एट पॉइंट, मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, है ना, अब जो मिल्क है वो सक्ड आउट करता है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो बताना कि ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट है ना, उनमें से सबसे पास निप्पल के पास कौन सा डक्ट रहती है, चलिए बताइए। एक फीमेल ब्रेस्ट है ना, तो जो निप्पल है उसकी, है ना, उसके सबसे पास निप्पल के सबसे करीब लैक्टिफेरस कौन सी डक्ट रहती है, बताइए, लैक्टिफेरस डक्ट, आंसर इज राइट, है ना, लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल के सबसे पास रहती है, तभी तो इधर लिखा गया है मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, बेबी मिल्क को सक करेगा तो लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होगी और मिल्क सिक्रीट होगा, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एज करेक्टर के सेकेंडरी कंसिडर करा जाता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ फीमेल, ये भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है फीमेल की, ठीक है, ठीक है, चले आगे, कोई डाउट इन 1, 2, 3 स्लाइड में कोई डाउट है आपको पूछ लो अगर आप कोई भी डाउट हो तो। चलिए ओके डाउट आप अगर नहीं है अभी आपको तो आप एक बार पढ़िए,
है ना, और व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा अगर, कोई बच्चे के पास अगर नंबर नहीं हो, ले सकता है वो नंबर। है 8209085294। तुषार दुबे सर, ठीक है। नंबर लिख लीजिए आप, है ना। ओके जी, चले आगे। इसके बाद आज का टॉपिक, एक और टॉपिक आता है, गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस नाम से अपने को पता लग रहा है कि गैमेट का फॉर्मेशन करना, गैमेट का फॉर्मेशन करना। चलिए पढ़ते हैं इसे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, है ना। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। गैमेटोजेनेसिस इज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है भैया, पढ़ते हैं चलो। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ये दो पार्ट होते हैं गैमेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस के अपने को अगर अपने बस मैं आपको नाम बता दूं, मतलब नाम बोलूं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको क्या दिमाग में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यही है इसका आंसर। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट। ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल और एग, है ना। आपको मालूम ही है कि फीमेल में एग प्रोड्यूस होते हैं उनके पीरियड के टाइम। फीमेल गैमेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, इसी को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट। आज अपन ये दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ठीक है, कि एग कैसे प्रोड्यूस होता है, ओवम ओव्यूल कैसे रिलीज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन आज पढ़ने वाले हैं, और आज का बहुत अच्छा लेक्चर होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन आज पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसी वाले प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट पल्सेटाइल इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन GnRH, है ना, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये बात याद रखिए आप, स्पर्म जब तक नहीं बन सकता जब तक GnRH रिलीज ना हो। आपकी बॉडी में अगर GnRH हॉर्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो आपका स्पर्म जो बनता है ना, टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, स्पर्म बनता है जो, वो कभी नहीं बन सकता। इसलिए एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट हॉर्मोन टू रिलीज द स्पर्म, आंसर इज GnRH, है ना, आंसर इज GnRH, ठीक है। सेकेंड है कंटिन्यू द होल लाइफ, पूरी लाइफ रहता है ना, स्पर्म बनता रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि यंग एज में ज्यादा स्पर्म बनता है और ओल्ड एज में थोड़ा कम स्पर्म बनता है, लेकिन बनता है होल लाइफ है। थर्ड पॉइंट, GnRH स्टिमुलेट सिंथेसाइज एंड सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, समझ में आ गया। GnRH स्टिमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। अब इधर अपन ने पढ़ा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या सिक्रीट करेगा, गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसकी मदद करती है सिक्रीट करने में। अब गोनेडोट्रोपिन इंक्लूड, गोनेडोट्रोपिन कैसे रिलीज करेगा, उनके लिए भी दो हार्मोन इसमें आते हैं, क्या नाम है उनका, LH एंड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, है ना।
ये दो जो हार्मोन है एल एच एंड एफ एच एच, ये गोनेडोटोपिन को सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं, एल एच एंड एफ एच एच। ठीक है, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट एज लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, इसको अपन बोल देते हैं एंड्रोजन, विच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, है ना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस बनाते हैं काय में इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जरा इट इज डायग्रामेटिक सेशनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, है ना। माइक्रोस्कोप में एनलार्ज करके देखा गया, इसमें सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, वो होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो इसकी भारवाही लेयर होती है उसे अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, और जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्म है ही, है ना, स्पर्म है ही, ये है स्पर्मेटोजुआ और इट इज स्पर्मेटेड। ठीक है, स्पर्म का अगर स्पर्मेटोसाइट के साथ कांटेक्ट होता है तो उसे अपन बोल देते हैं स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड। ठीक है, इट इज डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। चलिए इसके बाद अपना आते हैं अपन सिक्स पॉइंट में, एफ एच एच एक्ट ऑन अ सर्टोली सेल। एफ एच एच, एक मिनट रुकिए, एफ एच एच एक्ट काम में करती है सर्टोली सेल्स में। अब सर्टोली सेल स्टिमुलेट क्या करते हैं, रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर डेट प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, वो फैक्टर रिलीज करते हैं, है ना, और प्रमोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज, है ना। जो स्पर्मेटोजेनेसिस हैं, है ना, वो तीन स्टेज में डिवाइड होते हैं, कौन कौन सी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज, तीन फेज में डिवाइड होते हैं। ठीक, अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो आपको अगर पूछ लो आप। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटेड नाउ, कोई डाउट नहीं आया। चलिए, डाउट मुझे मालूम है आपको क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी आप बस अभी रिवीजन कर, अभी आपने रिवीजन नहीं किया, और डाउट हमेशा रिवीजन करने के बाद ही आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवीजन करो, आपको तो डाउट बहुत सारे बच्चों के आते हैं, लेक्चर पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट आते हैं, पूछते हैं वो। स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये लाइफ कब स्टार्ट होती है, 16 टू 18 एज ऑनवर्ड, है ना, इन फीमेल ऊजेनेसिस होता है ना, और 16 टू 18 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड कंटिन्यू टिल मेनोपोज, जब तक मेनोपोज स्टार्ट रहते हैं, और मेनोपोज कब तक स्टार्ट रहते हैं, 45 टू 50 ईयर्स, मतलब पीरियड आना, है ना। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, पीरियड आना, है ना, जब तक फीमेल में पीरियड आते रहते हैं, और यही एज होती है 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि एग या ओवम रिलीज कैसे होता है ना, बनता कैसे,
ठीक है, मैं ये सारे आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ नोट सारे लेक्चर के अभी करवाने हैं। संडे तक मैंने आपको बोला था, पहले भी संडे तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो काम, है ना। चलिए कराते हैं ना। जन हेल और यूगोनिया, सबसे पहले क्या होता है ऊजेनेसिस में, जर्म सेल या यूगोनियम सबसे पहले मिलता है, फिर माइटोसिस होता है उसमें और यूगोनिया बन जाता है, है ना। यूगोनिया में क्या होता है, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, 2 मिलियन इन ईच ओवरी टिल 5 मंथ ऑफ IUL, ठीक है। ये यूगोनिया है, इसके अंदर ये सेल है वो है डिप्लोइड, 2N कंडीशन है, 44 नंबर ऑफ सेल है ना, और SS कंडीशन है ना, मतलब मेल वाली कंडीशन है। इसका ग्रो होती है क्या, यूगोनिया ग्रोथ होती है उसकी, फिर बन जाती है प्राइमरी यूसाइट। म्योसिस वन स्टार्ट बट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन, है ना। म्योसिस वन स्टार्ट हो जाती है, अपन अब ये म्योसिस वन क्या है, प्रोफेज फेज क्या है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं सेल वाले टॉपिक में, है ना, क्लास 11 के सेल वाले टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, अब डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज वन में होती है, और ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं सेल वाले टॉपिक में। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे ये चीज होती है, ठीक है। इसके बाद इधर क्या पॉइंट है, रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेज वन टिल प्यूबर्टी, है ना, इधर ही वो रहती है, अरेस्ट रहती है, इधर ही बंधी हुई होती है जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, जब तक यंग एज नहीं आती है। 10 to 12 प्राइमरी यूसाइट देन एंटर ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 10 से 12 यूसाइट बनते हैं वो एंटर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड वन ऑफ दीज फॉर्म ग्राफियन फोलिकल। 10-12 जो प्राइमरी यूसाइट बने उनमें से जो एक, कोई भी एक ग्राफियन फोलिकल बना सकता है, ग्राफियन फोलिकल बना देता है। आगे आएगा अभी ग्राफियन फोलिकल क्या होता है ना। इसके बाद प्राइमरी यूसाइट बन जाती है, एंटर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब लेडी या गर्ल, है ना, यंग एज में आ गई हैं, है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी स्टार्ट हो गई है ना, पीरियड आना स्टार्ट हो गया उन्हें, है ना। ये सारी कंडीशन 2N44 प्लस SH, मतलब मेल वाली कंडीशन चल रही है ना, फीमेल वाली सॉरी। इसमें म्योसिस वन होगा कंप्लीट, और दो में डिवाइड हो जाएगी, एक क्या होगा सेकेंडरी यूसाइट, है ना, गेट मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, गेट मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा क्या है वन पोलर बॉडी, है ना, पोलर बॉडी तो डिजनरेट हो जाएगी जैसे आपको पहले बता रखा है। इधर अब कंडीशन क्या हो गई, क्योंकि दो में डिवाइड हुआ तो N22 प्लस S, इधर भी N22 प्लस S, ठीक है। अब ये डिजनरेट हो ही गई, ये खत्म हो ही गई पोलर बॉडी, एक सेकेंडरी यूसाइटी बची, इसमें क्या होगा एंटर म्योसिस 2 बट अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, है ना, एंटर हो जाएगी म्योसिस 2 में बट अरेस्ट होगी मेटाफेज 2 में। म्योसिस 2 कंप्लीटेड, जो म्योसिस 2 होगी इधर कंप्लीट हो जाएगी, ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन होगा इसमें तो म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। कंसिडरिंग फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, है ना, इसी में ही सेकेंडरी यूसाइट में ही फर्टिलाइजेशन होता है अगर, तो फीमेल प्रेग्नेंट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद अगेन 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड करा, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी,
ना, जब फर्स्ट पोलर बॉडी थी और ये दूसरी पोलर बॉडी बनी जहाँ पे मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा, N22+S कंडीशन है इधर, और पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी, तो ऐसे अपना एक बनता है ना। जब एक जन्म लिया से एक तक का इतना प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में, है ना, फीमेल बॉडी में इतना प्रोसेस होता है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट होता है ना। तभी तो बोलते हैं ना कि पीरियड के टाइम पे है ना बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन हो जाती है, इतने सारे प्रोसेस अपने को याद भी रहते हैं और बॉडी अपनी कर दी है ना। चलिए, ये कभी पूछा नहीं गया नीट ईट में, है ना, इतने बस ये दो चार टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ एंड फोलिकल, है ना, और एक ग्राफ एंड फोलिकल पूछा जाता है और एक पूछा जाता है जन्म ले जन्म सेल। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपन और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चलिए। कर ही लिया आज का लास्ट पेज। ओजेनेसिस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेज, जो ओजेनेसिस है वो डिवाइड करती है तीन स्टेज में। अगेन इसमें भी मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज होती है। मल्टीप्लीकेशन फेज कहाँ से कहाँ तक होती है, जर्म लेयर टू यूगोनिया, जर्म लेयर टू यूगोनिया, ठीक है, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, ठीक है। स्टार्टिंग वाली फेज जो होती है वो होती है मल्टीप्लीकेशन फेज। ग्रोथ फेज क्या होती है, यूगोनिया से प्राइमरी यूसाइट, मतलब ये यूगोनिया स्टार्टिंग फेज है ना, मल्टीप्लीकेशन फेज, और प्राइमरी यूसाइट बन गया तो इधर अपनी स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ फेज, है ना। ये 18 to 16 ईयर में आती है, 16 to 18 ईयर में आती है फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर। और मैचुरेशन फेज क्या होती है, प्राइमरी यूसाइट के ओवम बनना, जो कि स्टार्ट हो जाती है 20-21 ईयर ऑफ एज इन गर्ल्स, है ना, प्राइमरी यूसाइट टू ओवम। अब जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यूसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी यूसाइट बनेगा, है ना, उसके बाद ओवम बनता है, तो ये प्राइमरी यूसाइट इधर बना, और इसके बाद भी इतना इतना प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, कौन सी मैचुरेशन फेज के लिए। एक बार एक नोट और आता है, नोट, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज 24 ईयर, 24 आवर्स, है ना, एक दिन के लिए रहता है ओवम एक, है ना, और लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के लिए रहता है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्म का जो काउंट है, ये क्वेश्चन आएगा इजीली क्वेश्चन कि लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म एंड लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ये नेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये नेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना ये कि जो फीमेल में जो ओवम गैमेट बनता है, ओवम या एक गैमेट बनता है, वो एक दिन के लिए रहता है ना, जब पीरियड स्टार्ट होता है, जब आता है ना, और जो लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का वो 2 दिन के लिए रहता है ना, ठीक है, स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो 2 दिन तक रहता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। क्या बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आया, ये आपको इसलिए नहीं आया होगा यार, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पेज की फोटो लेना, ये तो आपको वर्डिंग समझ में नहीं आ रही होगी या जो चीज़, एक का वीडियो में चैप्टर बना दूंगा, ठीक है,
और टॉपिक का नाम रख दूंगा हाउ टू फीमेल एग प्रोड्यूस। ठीक है, जर्म लेयर और ये चीज मैं आपको बोर्ड में पढ़ा दूंगा, है ना। ठीक है, इनके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नीट में तो बस ये ग्राफियन फोलिकल ही पूछा जाता है और जर्म लेयर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पढ़ेंगे ये भी। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट? कोई का बैकलॉग तो नहीं है ना? कोई का बैकलॉग है क्या कि क्लास से मतलब वो देख लेते हैं और लिखते लिखते नहीं हो कॉपी में? बैकलॉग तो नहीं है कोई का? सर मेरा है। क्या कर रहे हो अंकित? बैकलॉग बहुत ज्यादा मतलब नरक का द्वार है। बैकलॉग अगर आपका हो रहा है तो नरक में जा रहे हो आप। सही बोल रहा हूँ मैं? कितना बैकलॉग है अंकित? कितना बैकलॉग है? दो क्लास का, आज की क्लास को मिला के या अलग? अच्छा, आज की क्लास को मिला के। हाँ तो आज ही क्लास तो आज कंप्लीट कर लो आप। और जो एक क्लास जो बची है ना, जो एक क्लास बची है वो चीज आप कल सुबह करें ना। कल सुबह तो अपनी कोई क्लास रहती नहीं है ना यूट्यूब पर, बस उनमें आप अटेंड कर दो और वो बैकलॉग जल्दी से निपटाओ, है ना। बैकलॉग रखना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, और कोई का बैकलॉग है क्या? और कोई का बैकलॉग है? नो सर, नो सर। चलो चलो, ठीक है ठीक है। बैकलॉग रखना अच्छा नहीं है अंकित, है ना। जल्दी इसे निपटाओ, आज ही की क्लास को आज ही निपटा दो, खत्म करो इसे। और जो एक क्लास बची है वो आप कल सुबह पढ़ना। और 11th का बैच भी तो ज्वाइन कर रहा है, 11th में भी तो आते हो ना आप अंकित? जो अपना जोश बैच है उसमें भी आते हो आप? ठीक है ठीक है, ओके। तो उसकी क्लास कल लगेगी अपनी, तो उसकी आप अलग रजिस्टर आपने बनाए रखा होगा, आप क्लास के हाल लिखते रहा करो या तो। ठीक है, और डाउट तो आपको मैंने नंबर दे ही दिया है ना, ज्यादा नंबर नोट डाउन कर लें। चलें फिर, कोई भी डाउट आए आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साधु बेहद थैंक यू। जो बच्चे ऐसे यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ठीक है, बाय बाय बाय, टाटा।